Good morning, dear students. Today we'll continue with the questions of the poem A Smile. हम आज A Smile poem के question answers आगे करेंगे. बच्चों, इस question में आपको क्या करना है, मैं simple सा आपको बता देती हूँ कि आपको clay लेनी है बच्चों, और उसके साथ आपको जो भी चीज़ें बनानी आती हैं, जैसे आप सन बना सकते हो, यू कैन मेक स्पैरो, यू कैन मेक फ्लावर, और ऐसे आप फेसेस भी बना सकते हो क्ले के साथ. तो और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी चीज़ क्ले के साथ बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज अ पोयम, लेट मी रिसाइट दिस फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड ईच एंड एवरी वर्ड, देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोयम. पहले मैं ये पोयम आपके लिए पढ़ूंगी, फिर इसका आपको मीनिंग बताऊंगी. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. बच्चों, इसका क्या मतलब है कि अगर आप खुश हैं तो आप ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर सकते हो. अगर आप खुश हैं तो आप क्या कर सकते हो, ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर सकते हो. अगर आप खुश हैं और आप सबको दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत खुश हैं, इसके लिए आप कैसे दिखा सकते हो, आप अच्छे से ज़ोर से क्लैप कर सकते हो. और क्या चीज़ें कर सकते हो आगे पढ़ेंगे हम. इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड. इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, do all four. Clap, clap, nod, nod, stamp, stamp. देखो इसमें क्या है, If you're happy and you know it, nod your head. अगर आप खुश हैं तो आप अपनी खुशी को कैसे दिखा सकते हो, अपने सर को इधर उधर हिलाकर दिखा सकते हो. If you're happy and you know it, stamp your feet. आप इन बच्चों की तरह, ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ, ये अपने पैर ऊपर नीचे ऐसे ज़मीन में पटक रहे हैं, तो खुशी में आप ऐसे भी अपनी खुशी को दिखा सकते हो, पैर को ऊपर नीचे करके. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा. अगर आप खुश हैं तो आप हंस के भी अपनी खुशी को दिखा सकते हैं. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर. अगर आप खुश हैं तो आप चारों चीज़ एक साथ कर सकते हो. चारों चीज़ क्या, कि आप क्लैप भी कर सकते हो, अपने सर को भी हिला सकते हो, अपने पैर को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, और ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिंग दिस पोएम एट योर होम विद एक्शंस. आपको ये पोएम आपके घर पे ऐसे ही गाकर इसको ट्राई करना है, रीड करने के लिए, और एक्शंस भी करने हैं. जैसे जब क्लैप योर हैंड्स बोल रहे हैं, आप क्लैप कर सकते हो. जब नोड योर हेड आता है तो आप सर हिला सकते हो. स्टैम्प योर फीट में आप पैर ऊपर नीचे कर सकते हो. हा हा में आप हंस सकते हो, है ना. तो एक्शन के साथ आप इस पोएम को करने के लिए ट्राई करना. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.